राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ते हैं ओजोन। ऑक्सीजन फैमिली में एक इम्पोर्टेंट गैस आती है ओजोन, और ये जो ओजोन है ये होती है भाई O3, ठीक है। और ये ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। किसके एलोट्रोप से? ऑक्सीजन का एलोट्रोप से ये, ठीक है। और जो अपना समुद्र है, उस समुद्र से 20 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, उस 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन पाई जाती, ये ओजोन पाई जाती है, और वो होती है ओजोन लेयर में। और ये जो ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर हमारी यूवी रेज से सुरक्षा करती है भाई। ये जो यूवी रेज है ना, ये यूवी रेज अगर मान लो धरती पर आ जाए तो ध्यान रखना स्किन कैंसर का कारण होती है। इसलिए ये जो ओजोन परत है, ये ओजोन परत हमारे लिए, ये ओजोन लेयर हमारे लिए सुरक्षा करती है, हमारी सुरक्षा करती है। अदरवाइज ये प्रिपरेशन देखिए भाई कैसे बनाई जाती है ओजोन। तो ओजोन के प्रिपरेशन की बात करें तो यहां सीमेन और या फिर ब्रोडी, इनके ओजोनाइजर होते हैं। तो सीमेन है, ब्रोडी है, इनके ओजोनाइजर आप काम में लेते हैं। ये ओजोनाइजर होता किस प्रकार का है भाई? एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है ये, ये लो, और इसके यहां पर आप इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, आप यहां से इसमें आप ऑक्सीजन भेजें और इस साइड से आपको मिल जाएगी ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, ओजोन कम होती है, इसलिए इसको ओजोनाइड ऑक्सीजन कहा जाता है। ये इधर से आपको मिल जाएगी भाई। यानी आपने यहां क्या किया कि जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को आप O3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को O3 में कन्वर्ट कर रहे हैं इस ओजोनाइजर में। तो आप क्या करेंगे इसमें, आप इसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे इसमें। तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने पर जो O2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बताएं? O3 में कन्वर्ट हो जाती है। और इस रिएक्शन का जो ΔH है वो है पॉजिटिव 142 किलो जूल। इसका मींस ये है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ये जो रिएक्शन है ना भाई, ये रिएक्शन है कौन सी? एंडोथर्मिक है। तो ये जो O2 है, इस O2 से O3 बदलना एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ΔH बराबर 142 किलो जूल है, ये ओजोनाइजर है। और इन ओजोनाइजरों में O2 से O3 कैसे बनती है ये आगे वीडियो और आपको दिखाया जाएगा, ठीक है ना भाई, जिसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह सारा दिखा करके कैसे पास करते करंट कैसे ये। अब यहां पर कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर एक कि ये जो ऑक्सीजन आप पास करेंगे ये बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। पहली बात, ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए? प्योर होनी चाहिए। दूसरी बात कि ये जो ओजोनाइजर है, ये ओजोनाइजर ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर रहे हैं वो बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई चिंगारी वगैरह नहीं होनी चाहिए भाई। तो ये इसका प्रिपरेशन मेथड है किसका? ओजोन का। इस ओजोन के प्रिपरेशन मेथड के बाद
मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। पहला देखिए भाई, अगर ओजोन की अगर आप बात करें तो पहली इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये पीले नीले रंग की, पेल ब्लू इसका कलर है, ठीक है भाई, और ये बहुत कम घुलती है, लेस सोल्यूबल है इन वाटर, फिशी स्मेल होती है इसमें, मछली के जैसी इसमें स्मेल पाई जाती है, और ये थोड़ी सी हैवी है, हैवी गैस है वायु के कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में थोड़ी हैवी है। तो ये आपके पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। और अगर मान लीजिए आप इस O3 को अगर आप -120 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं तो ये डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगी। और ज्यादा ठंडा करें तो और ज्यादा ठंडा करने पर इसका जो कलर हो जाता है क्रिस्टलों का वो वॉयलेट ब्लैक क्रिस्टल इसके प्राप्त होंगे भाई। तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ओजोन की। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब अपन पढ़ते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो है डीकंपोजिशन। जो O3 है वो O3 O2 में डीकंपोज हो जाती है टेम्परेचर 576 केल्विन। कैटलिस्ट यहां आप MnO2 डाल सकते हैं, तो MnO2 के प्रेजेंस में ये O2 है इसका डीकंपोजिशन होता है, O3 है इसका डीकंपोजिशन होता है O2 में। ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, ये जो O3 है ये O3 O2 प्लस O में टूटता है और ये O यहां नेसेंट ऑक्सीजन है, नवजात ऑक्सीजन है, ठीक है भाई। तो ये जो नवजात ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन है, इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कलरफुल मटेरियल है और ये जो नवजात ऑक्सीजन है उस कलरफुल मैटर को कन्वर्ट कर देगी किसमें, कलरलेस मैटर में। जैसे हाथी दांत है, वैक्स है ना, स्टार्च है, इनका अगर आपको इनको ब्लीच करना है तो वहां काम आती है O3। तो दो प्रॉपर्टीज हो गई, एक इसका डिकम्पोजिशन हो गया, दूसरा इसका ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज हो गई भाई, है ना, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज हो गई। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, O3 कन्वर्ट होता है O2 प्लस O में, इसका डिकम्पोजिशन होता है, और ये जो O है ये O मैंने अभी आपको बताया कि ये नेसेंट ऑक्सीजन है और इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती है, स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखना। O3 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। जैसे मान लीजिए अपन एग्जांपल लें, यहां कौन कौन से ऐसे एग्जांपल हैं, तो पहला है मरकरी का ऑक्सीडेशन, पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ मरकरी। ये जो मरकरी है, इस मरकरी का अगर आप ऑक्सीडेशन देखें तो Hg2O plus O2 में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन से पहले मरकरी कांच के चिपकता है, लेकिन इस ओजोन की प्रेजेंस में मरकरी कांच के नहीं चिपकता, इसे टेलिंग ऑफ मरकरी कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर आपको ओजोन का पता लगाना हो, तो आप ये देख लेना कि अगर मरकरी कांच के चिपकने लग गया तो वहां ओजोन है। ऑक्सीडेशन ऑफ एजी, दो प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरा ऑक्सीडेशन इसका, ऑक्सीडेशन ऑफ K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट O3 प्लस H2O, KMnO4 प्लस KOH प्लस O2। तो K2MnO4 का KMnO4 में ऑक्सीडेशन कर देता है। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट NaNO2, सोडियम नाइट्राइट है, इसका ओजोन की प्रेजेंस में NaNO3 बन जाता है प्लस O2। तो NaNO2 का NaNO3 में, यानी नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन कर देता है कौन? ओजोन। ऑक्सीडेशन ऑफ HCl, HCl का Cl2 में ऑक्सीडेशन कर देता है। यहां पर ये जो आयोडीन मुक्त होती है, इस मुक्त होने वाले आयोडीन का हाइपो के साथ टाइट्रेशन की जाती है, और हाइपो के साथ टाइट्रेशन करके बाद आप ये पता लगा सकते हैं, या फिर मैं कहूं कि आप एस्टीमेशन कर सकते हैं ऑफ ओजोन। तो ओजोन का जो एस्टीमेशन है, उस ओजोन का एस्टीमेशन करने का तरीका यह है कि जो KI का सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा बफर भी डला हुआ होता है भाई, बोरेट बफर। तो KI में डला हुआ बोरेट बफर, और उसमें आप ओजोन गैस पास करते हैं। ये ओजोन गैस हालांकि ऑक्सीजन में है, उसमें है भाई, गैसों के मिक्सचर में। तो उस गैसों के मिक्सचर में कितनी ओजोन है, इसका पता लगाने के लिए उस मिक्सचर को आप इस KI के सॉल्यूशन में पास कर दें, आयोडीन लिब्रेट होगी। उस आयोडीन जो बाहर निकलेगी, उस आयोडीन का हाइपो के साथ टाइट्रेशन कर लेना, और आप क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं किसका? ओजोन का। ठीक है, तो ये तरीका हो गया आपके पास एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ये सारी की सारी थी आपकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। सिंपल तरीका है कि KI की रिएक्शन कर, KI का जो सॉल्यूशन है उसमें आप गैस का मिक्सचर पास कर दें, आयोडीन बाहर निकलेगी, उस आयोडीन का आप हाइपो के साथ टाइट्रेशन कर लें, आप एस्टिमेशन कर सकते हैं ओजोन का। इसके बाद अगर मान लीजिए आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो ओजोन की जो स्ट्रक्चर है वो ये।
ये, और यहाँ ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल इसका 117 डिग्री का होता है। तो अगर आप इसका बॉन्ड एंगल देखें तो 117 डिग्री का होता है। ओ ओ अगर आप बॉन्ड लेंथ देखें तो इसकी ओ ओ बॉन्ड लेंथ 1.28 एंगस्ट्रॉम की होती है भाई, और ये जो बॉन्ड लेंथ है वो डबल और सिंगल दोनों के मध्यवर्ती है। इसलिए आप इसको ये कह सकते हैं कि ये जो ओजोन है, ये ओजोन इस प्रकार से रेजोनेंस शो करती है, ठीक है भाई। तो रेजोनेंस शो करती है ओजोन, इसी कारण से ये जो बॉन्ड लेंथ है और ये जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल आएगी। ऐसा नहीं कि यहां डबल बॉन्ड के सापेक्ष आएगी या सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष आएगी, दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, क्योंकि क्या शो करता है, ये रेजोनेंस शो करता है। इस रेजोनेंस के कारण जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल आती है भाई। यूज देखें इसका, यूज है पहला इसका जर्मिसाइड के रूप में, बहुत अच्छा जर्मिसाइड है ओजोन। दूसरा, इसीलिए ध्यान रखना जो आरओ होते हैं उन आरओ में भी ओजोनाइजर लगे होते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि ये ओजोन एक जर्मिसाइड है, ठीक है, और वाटर का प्यूरिफिकेशन है उसमें भी ओजोन काम आती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। कहीं भीड़ भाड़ है वहां पर एनवायरमेंट को, वह एनवायरमेंट का प्यूरिफिकेशन करना है तो वहां भी काम आती है, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर मान लो आपको एटमॉस्फेयर को का प्यूरिफिकेशन करना है तो वहां भी ओजोन गैस काम आती है। आर्टिफिशियल सिल्क के प्रोडक्शन में भी काम आती है, और आपको अगर सिंथेटिक कैम्फर बनाना है तो सिंथेटिक कैम्फर का जो फॉर्मेशन है उसमें भी काम आती है। ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी काम आती है। तो ये इस ओजोन के कुछ यूज हो गए। कल अपन एक नई वीडियो लेकर के फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।